मैं नरपत सिंह को जानता हूँ, छोटा बच्चे की तरह यहाँ पढ़ता था, मेरे छोटा भाई साथ में पढ़ता था। इन दोनों के काम क्या होते थे? मोर की पंखुड़ियां ले जा करके बाड़मेर में बेचते थे और उसे खर्ची आ जाती थी। मैं ही परेशान था, छोटे वाले भाई को रोज कहता था, मैंने कहा तुम ये क्या काम करते हो? ऐसे करते करते पौधे लगा दिया, पौधे लंगेरा गांव के राजस्व गांव पोजाणिया की ढाणी में ग्रीन डेजर्ट संस्थान के द्वारा जो भी संचालक मैम कह रही थी कि विश्व का सबसे बड़ा पीपल महोत्सव, उसके आयोजन पर आज पधारे हुए बाड़मेर के अधिकारीगण, वीडियो साहब, डीडी साहब, समाज सेवी तन सिंह जी और लंगेरा गांव के ग्रामवासी, इसके अलावा जितने भी भामाशाह पधारे हैं और इस नरपत सिंह की टीम के सदस्य हैं, इस विद्यालय के सभी स्टाफ, प्यारे विद्यार्थियों, पौधारोपण का जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम की मुहिम चलाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक पौधा लगाना ये तो एक सामान्य बात है, लेकिन उस पौधे को पनपाना, उसको बड़ा करना, एक बच्चे का पालन पोषण कैसे करना पड़ता है, वैसा करना पड़ता है। जब मैंने सुना कि इनके द्वारा पीपल के पेड़ लगाए जा रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। एक पेड़ जब बड़ा होता है, कितने लोगों को वो छाया प्रदान करता है, जीवन प्रदान करता है। कोई छोटे छोटे जीव है, जंतु है, पक्षी है, घोंसला बनाएंगे। इंसान भी जब कभी परेशानी के अंदर है तो थोड़े समय उसके नीचे जाकर के रेस्ट लेगा, उसको ऑक्सीजन मिलेगी। ऐसा कार्य मेरे हिसाब से हर कोई नहीं कर सकता, ये कोई ईश्वरीय दया नहीं हो सकती है। मैं अगर ऐसे विचार करूं कि पीपल के पेड़ लगा दूंगा तो मेरे लिए संभव नहीं है। आज इस कार्यक्रम को देख करके किसी के मन में ऐसे विचार आ जाए कि कल हम 100 पौधे हम लगा देंगे, ये भी संभव नहीं है। जीवन के कुछ प्रारब्ध हैं और वो प्रारब्ध एक ऐसे कर्म को आगे बढ़ाते हैं। मैं नरपत सिंह को जानता हूँ, छोटा बच्चे की तरह यहाँ पढ़ता था, मेरे छोटा भाई साथ में पढ़ता था। इन दोनों के काम क्या होते थे? मोर की पंखुड़ियां ले जा करके बाड़मेर में बेचते थे और उसे खर्ची आ जाती थी। मैं ही परेशान था, छोटे वाले भाई को रोज कहता था, मैंने कहा तुम ये क्या काम करते हो? ऐसे करते करते पौधे लगा दिया, पौधे लगाए थे। एक दिन स्कूल के अंदर चॉकलेट मिल गई और उस चॉकलेट ने किसी को प्रेरित कर दिया। इतना जीवन में अभिप्रेरणा, और अभिप्रेरणा कहां से मिलती है ये कभी पता नहीं चलता है, और वो अभिप्रेरणा इनको इतनी मिली कि उन्होंने कभी पीछे मुड़कर के नहीं देखा। मैं तो मेरे छोटे भाई को जोधपुर लेके चला गया और जोधपुर ले जाकर के उसके लिए मैंने शर्त ये रखी कि तू नरपत सिंह से कभी बात नहीं करेगा, और यदि नरपत सिंह से बात कर दी तो नरपत सिंह तुझे वापस बाड़मेर बुला लेगा, लंगेरा बुला लेगा। इन दोनों की इतनी गहरी दोस्ती। अब नरपत का काम इधर फिर वही छोटे बड़े पौधे लगाना, और उस समय इतना बड़ा काम नहीं था तो क्या करता था, पहाड़ी क्षेत्र में कुत्तों का जो उस समय आतंक था, उस आतंक को रोकना, हिरण बचा लिया, कभी खरगोश को बचा लिया, वन विभाग को ले जा करके सौंप दिया। ऐसे करते करते न जाने ये कार्य कब आगे बढ़ा और ये मुहिम आज यहाँ तक पहुंच गई, विश्व की सबसे बड़ी साइकिल यात्रा कर दी, गिनीज बुक के अंदर कोजाणियों की ढाणी के किसी विद्यार्थी का बच्चे का नाम, बाड़मेर के जिला मुख्यालय के रिकॉर्ड में भी आना बड़ी बात है, लेकिन गिनीज बुक के अंदर इसका नाम आना। हालांकि घर परिवार चलाना बड़ा मुश्किल होता है, शादीशुदा भी है, बीच के अंदर इन्होंने मिठाई की दुकान पर जाकर काम किया तो वहां से जितना पैसा आया उसको फिर इसमें खर्च किया। मैं तो वास्तव में धन्यवाद दूं इनके पिताजी को और इनके पूरे परिवार को कि आप लोगों ने इसका सपोर्ट किया, इसके कार्य में आपने बाधा आप लोग नहीं बने, और आपको पता था कि ये पुण्य का कार्य कर रहा है। मुझे और हमारे परिवार ने भी खूब सपोर्ट किया। क्यों किया? क्योंकि हमें भी लगता था कि नरपत सिंह का कार्य बहुत अच्छा है। कहा भी गया कि जननी जने तो ऐसो जने के दाता ने के शूर, नी जने तो रही जे बाजनी मत कमाई जे नूर।
काम ऐसा करो कि हमारा हम जो पेरेंट्स हैं उनका सीना गर्व से ऊंचा हो। जीवन में ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए कि उसका माँ बाप का चेहरा झुक जाए। आज गर्व से लोग कहते हैं, आज करण सिंह जी गर्व से कहते हैं कि ये बेटा मेरा है। आज हम गर्व से कहते हैं कि मैं, कई लोग नहीं पहचानते हैं तो हम लोग कहते हैं कि आप कौन से गांव से हैं, कि हम ग्रीन मैन के गांव से। ये एक गर्व की बात है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिसको हमें छोड़ना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में आप भी पढ़ाई कर रहे हो, आपको भी प्रेरणा लेनी चाहिए। किसी कार्य को इतना समर्पण के साथ करिए, इतने डेडिकेशन के साथ करिए कि ये पूरी प्रकृति आपका साथ दे दे। और जैसे साथ आज नरपत का, ग्रीन मैन का दिया जा रहा है। लास्ट में मैं ग्रीन मैन को इस कार्यक्रम की शुभकामनाएं देते हुए यही कहूंगा, जितने भी युवा खड़े हैं आप सबको भी यही कहूंगा कि आप लोग इतना बड़ा काम नहीं कर सकते हो, लेकिन छोटा कोई भी काम करो, उस काम को इतना तन्मयता के साथ में करो, अपनी योग्यता के साथ में करो, डेडिकेशन के साथ में करो, लेकिन करो अच्छा काम। मारवाड़ी में कहावत है कि मैं सुधारे बिजली सर्वर सुधारे पाल, बेटू सुधारे बाप न तो घर सुधारे नाग। ऐसा बेटा बनो ताकि आपका जो आपके पेरेंट्स हैं वो गर्व महसूस करें। मैं तो खुद इसी ढाणी का रहने वाला हूँ, आज मुझे यहाँ पर बुला करके मान सम्मान दिया, इसके लिए आभार। मैं आपके सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए एक बार